बैटरी वाला इन्वर्टर बताएंगे लगाना कैसे लगाते हैं। अभी तक आपने सिंगल बैटरी का लगाया था, अब ये है इन्वर्टर मशीन, ये 24 वोल्ट का है और ये है बैटरी, ये 150 Ah का 2 बैटरी है, ये है ट्रॉली। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक एक खोलो ना, बैटरी के साइड में रहता है इसको पकड़ करके, और बैटरी को निकाला जाता है। ये बैटरी निकल गई, दोनों बैटरी निकल गई। अब इसमें जो है नट ने बोल्ट निकाल करके वाटर लेब, ये वाटर लेवल जो है ये पूरा इसमें लगा देते हैं। एक एक होल में एक एक वाटर लेवल लगा देते हैं। सारे पहिए इसके अंदर लगा देते हैं, पीछे वाले इस ट्रॉली के सारे पहिए लग गए हैं, अब रेडी हो गया। अब ये ट्रॉली का बेस है, ये साइडें हैं, इसमें लगाते हैं, एक साइड एक तरफ लगा देते हैं, दूसरा साइड दूसरी तरफ लगा देते हैं। ट्रॉली बन गई है, अब दोनों बैटरी उठा के ट्रॉली में रख देते हैं, नहीं तो कनेक्शन करने में दिक्कत होता है, इसलिए पहले ट्रॉली में बैटरी रख के कनेक्शन करते हैं। ट्रॉली में अब बैटरी रख दिए हैं, इसको अब कनेक्शन करेंगे। ये अपोजिट रखा जाता है, जिधर वाटर लेवल है एक दूसरे के, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस जोड़ देते हैं, फिर एक सिर से माइनस निकलेगा, एक सिर से प्लस निकलेगा। इसमें पूरे में वाटर है, इसलिए पूरा ऊपर नीचे ऊपर है। इसके साथ ही ये पैकेट में ग्रीस देता है कंपनी, ताकि इसमें लगाने से मॉइस्चराइज़र नहीं आता है। इसमें ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस लगाने से मॉइस्चराइज़र नहीं आएगा, कार्बन नहीं आता है, सही से काम करता है। माइनस में जोड़ दिए हैं, अब प्लस में इसको लगा देते हैं, ये अब सीरीज बन जाएगा। इसमें ग्रीस लगा के नट बोल्ट जो है अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। इन्वर्टर भी खोलते हैं, उन्हें उसमें देखते हैं क्या क्या है। इन्वर्टर में सिर्फ तार निकले, इसमें दो तार निकला है, एक ये प्लस है, प्लस को ये प्लस वाला सीधा जिसमें ये प्लस बना हुआ है ये कोने में, वहाँ पे इसको लगा देते हैं नट बोल्ट की सहायता से। और ये माइनस है, ये माइनस में लगा देते हैं। इन्वर्टर में जो है उसको प्लांस से अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं, प्लांस हो या रिंच हो, किसी भी चीज़ से अच्छी तरह टाइट होंगे। इसमें जो है इसमें चार्जिंग के लिए जो इनपुट दिया जाता है, इसमें ये रेड वाला है, इसमें लाइन देंगे और इसमें न्यूट्रल देंगे, ये एल लाइन लोड जो इन्वर्टर का जो आउटपुट देगा वो इसमें देगा, ये ग्रीन है। अब ये पूरा जुड़ गया है, कंप्लीट हो गया। लास्ट में जब ये तार लगाते हैं तो स्पार्क करेगा, तो ये स्पार्क करता है लेकिन करंट नहीं मारता है। जैसे स्पार्क कर रहा है और इसको हम छुएंगे और लगाएंगे तो करंट नहीं मारेगा। इसमें पहले से सप्लाई होता है इसलिए जो पावर होता है, इसलिए इसको स्पार्क करता है। अब ये स्पार्क नहीं करेगा, करंट नहीं मारेगा। इन्वर्टर में सप्लाई आ गया, इन्वर्टर ऑफ दिखा रहा है, पीछे से हम इसको ऑन करते हैं। पीछे जो MCB लगी है इसको ऑन करते हैं तो ये आगे ऑन हो जाएगा, और ये स्विच है इनपुट और आउटपुट बेस पे चलता है। मेंस ऑफ दिखा रहा है, इसमें कोई लोड नहीं है, और इन्वर्टर ऑन हो गई है, इन्वर्टर ऑन दिखा रहा है ये, और ये पावर जब लाइट का आता तो बंद। मेंस ऑन ऑफ दिखा रहा है, इस पर जब लोड डालेंगे तो ये लोड बताएगा कितना लोड चल रहा है, इसीलिए मेंस ऑन ऑफ दिखा रहा है, और इन्वर्टर ऑन है, बैटरी लोड 0 दिखा रहा है, 24 वोल्ट दिखा रहा है। अभी ये इन्वर्टर पूरे कंप्लीट हो गया, अब वहाँ ले जाके फिक्स कर देते हैं। इसमें आउटपुट के लिए चार्जिंग के लिए एक लाल और एक काला में जोड़ दिए, इसमें फेस जाएगा, इसमें न्यूट्रल जाएगा, इसमें आउटपुट पावर निकलेगा, ये इन्वर्टर लगा देते हैं। अगर कहीं शॉर्ट होता है तो ये MCB ट्रिप कर जाएगा। अभी ये इन्वर्टर ले आए हैं, जीने के नीचे इसको फिक्स करेंगे। जीने के नीचे पावर दिए हैं, बोर्ड दिए हैं, वहाँ पे इसको लगाते हैं। जो ग्रीन वाला रेड वाला तार निकला है ये इन्वर्टर में लगेगा, ये वाले हिस्से में लगेगा, और ये जो है पावर चल, जिसमें टेस्टर जल रहा है इसमें फेस जाएगा लाल वाला, और जिसमें टेस्टर नहीं जल रहा है उसमें काला वाला, ये इन्वर्टर के आउटपुट में लग जाएगा। अब इसमें लगा दिए हैं, ये पावर चार्जिंग के लिए है, ये वाला जो तार है
इसमें रख दिया है। अब पीछे से एमसीबी हमने उठा दिया है, चालू कर दिया है। अभी ये बैटरी ऑन दिखा रहा है, बैटरी चार्जिंग पे दिखा रहा है, इस पर चार्जिंग लिख रहा है। अभी इस ग्रीन येलो वाले में ये जो तार जो है इन्वर्टर वाला आया था वो लगा दिए, इसमें जोड़ दिए हैं, अभी प्रॉपर काम करने लगा। अभी ये इन्वर्टर अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, 227 वोल्ट दिखा रहा है, मैक्सिमम इस पर लोड आ रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है। इसी प्रकार से डबल बैटरी का कनेक्शन किया जाता है। अगर कोई शॉर्ट आउट होता है तो एमसीबी